इस वीडियो में हम समझेंगे कोलम्स लॉ कोलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है इस लॉ को फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टान द कुल ने एटीन सेंचुरी में फॉर्मुलेट किया था आइए इस लॉ को हम डिटेल में समझते हैं हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है यह अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बॉडी के मास प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी कहा जाता है ठीक इसी तरह कुलम्स लॉ भी काम करता है लेकिन कुलम्ब लॉ चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है और साथ ही इसमें अट्रैक्टिव और रिपेल्सिव दोनों टाइप के फोर्स होती हैं। चलिए इस लॉ को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल ए और बी हैं। चार्ज पार्टिकल ए पर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज पार्टिकल बी पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन डिस्टेंस आर है लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स की वैल्यू दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अब अगर हम इस इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करें तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के मिलता है जिसकी वैल्यू उस मीडियम पर डिपेंड करती है जिस मीडियम में दोनों चार्ज मौजूद होते हैं एग्जाम्पल के लिए वैक्यूम में इस कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 8.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर पेयरकुलम स्क्वेर होती है इस कांस्टेंट को हम 1 बाई फोर पाई की फॉर्म में भी फॉर्मुलेट करते हैं जहां एप्सिलोन एप्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने की एबिलिटी कितनी है कुलोम लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं Coulomb's law states that the force between any two charged particles is directly proportional to the product of the charge but is inversely proportional to the square of the distance between them Thanks for watching if you like this video please like and subscribe our channel